देखो वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को, लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई, पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए, और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को, मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए, मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो, पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया, ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी। और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए, तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया, और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, जिला सरपंचेस बनी, तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आम तौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब चार सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए, और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगी। ब्रिंग साहब, CWC की मीटिंग भी हुई है, किन गल्लां ते विचार हुए? CWC की मीटिंग दे विच वक-वक मुद्दे ते विचार हुए कि किस तरह यूनिट्स नूं काम करना चाहिए, किस तरह साढ़े यूनिट्स ने नीचे बूथ लेवल ते काम करना है, और खास करके उन्होंने मंडल नूं लैके बहुत चर्चा की थी कि किदां असीं मंडल्स नूं बनाकर नीचे उन्हां नूं इलैक्शन मोड्स दे विच उन्हां लोकां नूं लैके जाना है। और नाल ही नाल खड़गे साहब ने कहा कि डिसिप्लिन जरूर पार्टी दे विच दिखना चाहिए एट एवरी लेवल, वर्कर टू उपर तक। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन की गल दसना चाहता है, वो कई बार लीडर साहबान ये कह देंगे है कि मेरे निजी ख्याल है, कहते कि कांग्रेस के विच हुंदे टीवी ते और सोशल मीडिया ते तुसी अपने निजी ख्याल नहीं दस सकते, निजी अगर राय है तो वह तुसी हाईकमांड को ले आके सानू किसी प्रकार की जिहड़ी भी राय है तुहानू अच्छी लगती है नहीं लगती, तुसी उहदे विरोध चो, तुसी उहदे हक चो, तो वह कृपा करके बजाय कि सोशल मीडिया और मीडिया चैनल तो वह सानू दिती जाए, अगर कोई इस दे बावजूद भी कोई कताई करेगा तो उहदे ते स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ਸਵਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੋਗਾ तमाम लोगों से चर्चा करके, थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके हो। जस्टिन ट्रूडो दा एक बयान जिहड़ा आया सरकार दे खिलाफ, जिहड़ी हत्या हुई है उन्होंने उस नूं लेके भारत दे खिलाफ उन्होंने, मैं समझदा कि पहली वारी इहो जिहा इस तरह दा बयान किसे देश दे प्राइम मिनिस्टर ने दित्ता है, बिना इनक्वायरी बिना गलबात कीते एंड सच अ बिग स्टेटमेंट तुसी चुप करके देती है, इस तरह भारत नहीं करदा है, इस तरह दी कोई गल नहीं है, तुसी दसो किन्ना कारना करके ये जड़ा जड़े मर्डर होया जा की होया,
भारत ने कदे ऐसा नहीं किया, देश हिंदुस्तान ने कदे नहीं ऐसा किया। और जस्टिन ट्रूडो नू देश के प्रधानमंत्री है, असी उन्हां दी इज्जत ते सत्कार करदे हैं। बिल्कुल इस तरह का बयानबाजी कोई शोभा नहीं दिंदी किसी देश दूसरे देश के।